हेलो फ्रेंड्स, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फल हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला और उनके गर्भ में पल रहे नवजात शिशु के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल सेहत ज्योति को और साथ ही बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स आपको मिलती रहें। फ्रेंड, जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उन्हें अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उनके और उनके शिशु के लिए ऐसा कौन सा आहार है जो फायदेमंद होगा, या फिर ऐसा कौन सा आहार है जो उनके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुँचा सकता है। गर्भ धारण कर चुकी हर महिला चाहती है कि वह अपने शिशु को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रूप से दुनिया में लाए, और ऐसा करने के लिए उन्हें चाहिए कि वह अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। दोस्तों, गर्भ धारण कर चुकी महिलाओं को चाहिए कि वह मौसमी फल का सेवन नियमित रूप से करें, क्योंकि मौसमी फलों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन और आयरन पाया जाता है, जो कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम फलों का राजा होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका सेवन करना प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि आम के सेवन से महिला का पाचन तंत्र सही रहता है। आम में विटामिन ई और सी पाए जाते हैं, जो कि प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, मौसमी फलों में मौसम्बी एक ऐसा फल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही मौसम्बी गर्भवती महिलाओं के शुरुआती लक्षण वोमिटिंग को भी रोकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए केला भी एक बहुत ही अच्छा फल है। ये जितना स्वादिष्ट और मीठा होता है, उतना ही गुणकारी भी होता है। केले से प्रेग्नेंट महिलाओं की कब्ज की शिकायत दूर होती है, जिससे कि उनका पेट हमेशा साफ रहता है और उन्हें ताजगी का एहसास होता है। दोस्तों, सेब की तो बात ही अलग है। प्रेगनेंसी के दौरान सेब का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि एक सेब शरीर से हर रोज एक बीमारी को दूर करता है। सेब में विटामिन और पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में भरे होते हैं, जो कि गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गर्भावस्था के दौरान अमरूद का सेवन होने वाले बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और साथ ही इसमें विटामिन सी का खजाना भी पाया जाता है। सेब का सेवन करने से मां के पेट में पल रहे शिशु का विकास तेजी से होता है। कीवी एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी के साथ साथ पोटेशियम, फास्फोरस, फोलिक एसिड और डाइट्री फाइबर पाए जाते हैं। दोस्तों, तरबूज के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तरबूज का सेवन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके सेवन से महिलाओं में दिखने वाले शुरुआती लक्षण मॉर्निंग सिकनेस दूर हो जाते हैं। साथ ही इसके सेवन से गर्भवती महिलाओं के शरीर में हो रही पानी की कमी पूरी हो जाती है। तरबूज में पाए जाने वाले विटामिन ए, सी, B6 और पोटेशियम माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए चीकू का सेवन भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा सही मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्तनपान कराने वाली माँ के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके सेवन से प्रेग्नेंट महिलाओं को डायरिया और पेचिस की शिकायत भी नहीं होती है, और साथ ही ये उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, सीताफल एक मौसमी फल है। जैसा कि मैं शुरुआत में ही आप लोगों से कह चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान मौसमी फल बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर किसी महिला को अपने प्रेगनेंसी के दौरान ये फल मिलते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इसका सेवन जरूर करें। सीताफल में विटामिन ए और सी पाए जाते हैं, जो शिशु के आँखों, बालों, स्किन और बॉडी टिश्यू का विकास करने में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सीताफल का सेवन गर्भवती महिलाओं को कब्ज से भी राहत दिलाता है। दोस्तों, अनार के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अनार एक ऐसा फल है जो हर किसी के शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, और
प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को तो अपने शरीर में खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी देनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिला के शरीर में खून की कमी ना हो, इसके लिए उन्हें अनार का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। अनार में कैल्शियम, एनर्जी, फोलेट, आयरन, प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रेगनेंसी के समय अनार का सेवन गर्भ में पल रहे शिशु और प्रेग्नेंट महिला दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अनार में मौजूद फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट शिशु की हर रोगों से रक्षा करते हैं और साथ ही अनार के सेवन से शिशु का दिमाग भी बहुत तेज होता है। दोस्तों, ये तो थे कुछ ऐसे फल जिसका सेवन एक प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए और खुद को भी सेहतमंद रखने के लिए अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।